तो हेलो गैस, आ गए हैं हम फिर से एक न्यू वीडियो लेकर, जिसमें हम आपको बताएंगे कि न्यू जो यूट्यूबर जो यूट्यूब पर नए नए काम कर रहे हैं, उनको स्टार्टिंग में क्या गलतियां करनी नहीं चाहिए क्या नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट पूरा हो चुका है, बाकी 19,595 सब्सक्राइबर भी हैं मेरे। बाकी मेरी अर्निंग ज़्यादा खास नहीं हो रही है, क्योंकि व्यूज़ कम आ रहे हैं। हमेशा ये गलती ना करें कि जो भी अपनी टॉप वीडियो हैं उनको कभी भी डिलीट नहीं करनी चाहिए, नहीं तो जो अपनी रीच होती है वो डाउन हो जाती है, तो व्यूज़ कम आने लगते हैं। इंस्टा मेरे व्यूज़ 100-150 आ रहे हैं। शॉर्ट वीडियो की अगर अर्निंग देखी जाए तो शॉर्ट वीडियो की ज़्यादा खास नहीं है, 520 पर 0 रुपीज़ मिला है, कुछ नहीं मिला है। रही बात लॉन्ग वीडियो की, तो लॉन्ग वीडियो को भी हम आप लोगों को दिखाते हैं। लॉन्ग वीडियो पर ज़्यादा व्यूज भी नहीं है, लेकिन 3 पैसा बना है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि लॉन्ग वीडियो पर आपको काम करना चाहिए या शॉर्ट वीडियो पर। बाकी आप एक कंटेंट रखें कोई भी, जो आपको अच्छा है, आपका फेवरेट है या जो भी, तो आपको यूट्यूबर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बकाया मैंने एक सॉन्ग अपलोड किया था, तो उस पर ये लिख कर आ गया। मोनेटाइजेशन होने के बाद सभी यूट्यूब की गाइडलाइन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है, तो अब इस टाइम तो कॉपीराइट कुछ भी नहीं डाल सकते हम। बकाया और भी वीडियो आती रहेंगी ऐसे ही। थैंक यू।